हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अरबी की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, मैं इसे मसूर दाल के साथ बनाऊंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप पुराना मेथड जो अरबी बनाते हैं वो आप भूल जाइएगा और इसी मेथड से हमेशा अरबी की सब्जी बनाइएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये डिलीशियस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है अरबी, जिसके मैं छिलके अच्छे से उतार लूंगी और साफ पानी से वॉश कर लूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड की हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो तेल हमारी जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया है सरसों और सरसों को चटकने दी हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर ली हूँ। इन दोनों चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं इसमें अरबी को ऐड कर लूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है मैंने इसे काट कर तैयार कर लिया है। तो पूरे अरबी को मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया। चलिए अब इसे हम चला लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से चला लिया और इसी तरह से हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गया है, देखिए इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। चलिए हम इसे एक बार चला लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह से इन मसालों को हम 45 टू 50 सेकंड्स के लिए पका लिए हैं। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। इन सभी चीजों को डालकर हमें इसे चला लेना है और इसी तरह से चलाते हुए हमने इसे 50 टू 60 सेकंड्स के लिए पका लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसूर दाल। तो दोस्तों, मसूर दाल को मैंने 5 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और 5 मिनट हो जाने के बाद मैंने इसे पानी से निकाल लिया और इस तरह से मैंने इसे कढ़ाई में ऐड कर लिया है और अब इसे मैंने अच्छे से चला लिया है। तो दोस्तों, इसे डाल लेने के बाद हम इसे इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इसे इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। पानी को ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मैंने इसे 1 मिनट के लिए पकाया और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल ले। नमक को डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर रहे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से मिक्स करते हुए मैंने इसे 40 टू 50 सेकंड्स के लिए पका लिया और अब इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड कर लिए हैं और पानी को ऐड करके हम इसे अच्छे से चला ले रहे हैं। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट हो गया है। चलिए अब हम बर्तन स्विच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है।
कुकर में जो है हम अरबी की सब्जी को ट्रांसफर कर लेंगे। तो पूरी सब्जी को हमने ट्रांसफर कर लिया और जिस कढ़ाही में हमने जो है सब्जी बनाई थी उसी कढ़ाही में पानी को ऐड करके उस मसाले वाले पानी को ही मैंने कुकर में ऐड कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। चलिए अब इसका हम लीड लगा लेंगे और इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो दोस्तों 2 से 3 सीटी लग गई है, तो चलिए कुकर से गैस निकालकर लीड को खोलते हैं। तो देखिए हमारी अरबी जो है कितने अच्छे तरीके से पक गई है। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर लिया और इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अरबी की सब्जी जो है तैयार हो गई है। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कितने डिलीशियस लग रही है और कितनी अच्छे तरीके से ये पक गई है। तो आप इस आसान अरबी की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।